हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गुड इवनिंग, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या है? आज रात को क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में चेक करते हैं। क्या उनकी फीलिंग्स रोमांटिक है या इमोशनल है या नाराज है वो पर्सन आपसे? चलिए चेक करते हैं किस एनर्जी में है। मैटर नहीं करता ओके कि आप दोनों साथ में हो नहीं हो, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, आप सभी के लिए है। अगर आप साथ में हो, आपको जानना है कि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चलता है आपको लेकर, तो चलिए चेक करते हैं। गाइस, रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी करे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। उन्हीं को लीजिए जो आपसे रेजोनेट हो, जो नहीं हो रहा है उसे इग्नोर कीजिए ओके। क्या है आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स? आज रात को क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? क्या सोच रहे हैं आज रात को आपके पर्सन आपके बारे में? इनका लेट नाइट थॉट्स क्या है? मोरालिटी ओके, और क्या सोच रहे हैं? न्यू विजन ओके, और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स? द माइजर। मैं क्लारिफाई करना चाहूंगी तीनों ही कार्ड्स को। माय गॉड, प्लीज मुझे क्लैरिटी दीजिए, मुझे गाइड कीजिए। मोरालिटी क्यों आए हैं यहाँ पर? मोरालिटी क्यों आए हैं यहाँ पर प्लीज मुझे बताइए, मुझे क्लियर कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स ओके। सो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन ना दो सिचुएशन में हो। आपके पर्सन ना यानी कि इनका ऐसा है कि दो लोग इनके लिए, या दो सिचुएशन, दो लोग इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका फैमिली, दूसरी और आप ओके। इनकी इनके फैमिली और दूसरी और आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ओके। वो भी इनका बचपन का प्यार है, आप भी इनका बचपन का प्यार हो सकते हो बिल्कुल। आपका रिलेशनशिप काफी लंबा वक्त हो गया ऐसा हो सकता है ओके। और नहीं भी हुआ है, सिक्स वीक्स हो गया, सिक्स मंथ हो गया, सिक्स मंथ से सिक्स वीक्स आप इस पर्सन को जानते हो, या छह साल हो गया है, छह साल से ज्यादा भी वक्त हो गया है, ये भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी पर्सन ऐसा सोच रहे हैं राइट नाउ, इनकी फीलिंग्स ऐसा है कि मैं इस सिचुएशन में स्टक हो गया हूँ यार, कुछ भी समझ नहीं आ रही है, ना उसको छोड़ सकता हूँ, ना लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, ना फैमिली की बात मान सकता हूँ, नई सिचुएशन में मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। यानी कि जैसे इस पर्सन का सिचुएशन है, हो सकता है कि आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है, जो आपके ट्रू पार्टनर है, अगर रियल में आपके लिए ट्रू होंगे तो आपके अलावा किसी और को आप अपने लाइफ में आने कभी नहीं देंगे, कभी नहीं ओके। चाहे कोई कितना ही फोर्स कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी ज्यादा आप दोनों के बीच दुनिया बनाने की कोशिश करे, ब्रेन वॉश करे, कितना भी कोशिशें कर ले, हजार लाख कोशिश कर ले, पर आप दोनों के बीच किसी तीसरा को आने ही नहीं देगा, रोमांटिक वे में कभी नहीं ओके। सो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन सिक्स ऑफ कप्स है, तो मैं आपको बता दूं, ये पर्सन रियल में आपसे प्यार करते हैं, इमोशनली आपसे अटैच हैं ओके। सोलमेट, सोल लेवल का कनेक्शन इस पर्सन को फील होता है आपके साथ ओके। ऐसा फील करते हैं कि आप इनके ट्रू लवर हो ओके। आप जिनसे इस पर्सन को सच में प्यार हुआ, हो सकता है कि इनके पास्ट में कोई थे, कोई रहे हैं, ऐसा हो सकता है, पर जो अटैचमेंट, जो कनेक्शन आपके साथ ये फील करते हैं ना, वो अब तक इस पर्सन ने फील नहीं किया है। पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही है यहाँ पर? फैमिली आ रही है, ऐसा हो सकता है, इस पर्सन का खुद का माइंड सेट है, ये हो सकता है ओके। ये पर्सन ना थोड़े से डर गए हैं, आप मानो या ना मानो, पर ये पर्सन रियल में, अगर फैमिली इशू नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, ना कोई और है, तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन ना थोड़े से डर गए हैं ओके। जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए ओके, आई थिंक आपके पर्सन ने कभी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन फील नहीं किया है जो आपके साथ ये पर्सन कर रहे हैं। आप दोनों के बीच एज गैप हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने अपना लव कन्फेस नहीं किया है, बिल्कुल कन्फेस नहीं किया है ओके। और वही ये जो दूरियां बना रहे हैं ना, आई थिंक इसी वजह से ही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है कि ये कनेक्शन क्या है, ये फील जो कर रहे हैं आपके लिए ये क्या है ओके। और कुछ लोग मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ कि
यहाँ पर थर्ड पार्टी है, फैमिली हो सकता है, जहाँ पर फैमिली हो सकता है या कुछ और हो सकता है थर्ड पार्टी, जहाँ पर ये खुद को बंधा हुआ, खुद को बॉन्डेज में जैसा फील करते हैं कि ये वहाँ पर स्टक है। ओके, और इनका हार्ट आपके पास है, इनके सुकून आपके पास है, इनका जो प्यार है वो तो आप हो। आपसे मीटिंग करना है, इस सिचुएशन से निकलकर आपके पास आना है, आपको कुछ ऑफर करना है, पर इनका हाथ जो बंधा हुआ है, ये पर्सन खुद बंधे हुए हैं कहीं, तो इस सिचुएशन से कैसे निकलकर आपकी ओर आया जाए, आपको प्रपोज किया जाए, आपके साथ यूनियन में आ जाए या मैरिज किया जाए, इनको समझ नहीं आ रही है, इसी के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, और वो पट्टी झूठ का हो सकता है, फरेब का हो सकता है, धोखा का हो सकता है, इल्यूजन का हो सकता है, या लो एनर्जी का हो सकता है। ओके, जो इतना लो फील कर रहे हैं, निगेटिव माइंड स्टेट का हो सकता है। ओके, इनका दो तरह से इस पर्सन को ख्याल आ रहा है, ये हो सकता है क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आ रहा है, दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए हैं, ये भी है। ओके, ये पर्सन किसी कोई कोई इस पर्सन को डरा रहा है, धमका रहा है, डरा धमका रहा है, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि हाँ, इस तरह से मैं कह सकती हूँ। ओके, कि कोई किसी तरह से इस पर्सन को, इस पर्सन के माइंड में फियर इनसिक्योरिटी ला रहा है, किसी तरह का फियर इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। ओके, कोई तीसरा पर्सन इनका ब्रेन वॉश कर रहा है या कर रही है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में आओ। ओके, सो यस, आपके पर्सन के ये सब माइंड सेट, ये सोच रहे हैं आपके पर्सन कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कुछ लोग लिए मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ, जो आपके पर्सन, क्या आपको इस पर्सन ने ब्लॉक करके रखा हुआ है या आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं, उसके वजह ये भी है कि ये पर्सन डरे हुए हैं, इस पर्सन को फियर है किसी चीज का। ओके, अगर ये पर्सन आपको अपने लाइफ में अलाउ करते हैं, तो कहीं इस पर्सन का हार्ट ब्रेक ना हो जाए, कहीं इस पर्सन को धोखे ना मिले। ओके, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन को धोखे मिले हैं, इस पर्सन को चीटिंग मिले हैं। ओके, किसी ने चीट किया, किसी ने इनका हार्ट ब्रेक किया है, या अगर आपके साथ कनेक्शन ग्रो नहीं हुआ तो क्या होगा, इनका तो हार्ट, इनका तो दिल टूट जाएगा ना। तो खुद को सही करने में इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, अगर ये पर्सन दोबारा टूटे ना, अगर ये पर्सन एक बार टूटे तो इनके लिए संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, ओवर थिंकर है ये पर्सन राइट नाउ, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इसी वजह से आई थिंक ये पर्सन आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। ओके, कि इनका माइंड सही जगह पर नहीं है, और ये पर्सन अपने अपने हार्ट को फॉलो कर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, जो इनका हार्ट इनको गाइड कर रहा है, ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा दिनों तक ये पर्सन कर नहीं पाएंगे। ओके, करेंगे वही जिसमें इस पर्सन को सुकून मिलता है, क्योंकि ज्यादा दिनों तक कोई कैसे सिचुएशन में रह सकता है। ओके, इस निगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन में कोई ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, जहां पर वो पर्सन खुश नहीं है, अनहैप्पी है, ओके, अनहेल्दी है, जो सिचुएशन टॉक्सिक है, निगेटिव है, उस सिचुएशन में ज्यादा दिनों तक वो पर्सन रह ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है, एटमोसफेयर है, काफी ज्यादा निगेटिव है। ओके, बिल्कुल डार्क है, काफी ज्यादा अंधेरा है इनका जो सिचुएशन है। सो आपका साथ तो चाहिए, इस पर्सन को उजाले की ओर आना है। ओके, और इनको ऐसा लगता है कि आप वो उजाला हो। ओके, सो यार, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत जल्द आपको प्रपोजल मिलने वाला है, यूनियन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको प्रपोज करने के बारे में, अगर अब तक इस पर्सन ने आपको प्रपोज नहीं किया है, तो अपने लव कन्फेस नहीं किया है तो, और कर लिया है पर दूरियां बना रहे हैं, तो वापस से आपको प्रपोज करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट देंगे। ओके, कुछ गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, या किसी तरह का मैसेज आपको करेंगे कि चलो मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, ये सब चल रहे हैं इनके मन में। ओके, आई थिंक इस पर्सन के पास ऑप्शन हो सकते हैं। ओके, पर उन सब में बेटर आप हो, सो आपको सबसे अपने दिल के करीब मानते हैं। ओके, आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं ये पर्सन, जिस तरह से आपके लिए फील करने लगे हैं, आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इनको, इनका सोलमेट लगते हो, सोल लेवल का कनेक्शन, कुछ अलग ही कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। सो या प्रपोज आपको करेंगे। ओके, अपना हार्ट आपको देंगे।
रिस्क तो लेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है, प्रपोज आपको करेंगे ये पर्सन। यहाँ पर न्यू विजन क्यों आया है, बिल्कुल एक नई शुरुआत, नए दृष्टिकोण, जहां पर अगर इस पर्सन को कोई चीज बांध रहा था, ओके, इनको ऐसा लगता था कि ये नहीं हो सकता यार, ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा सिचुएशन है, वैसा है, ऐसा है, मैं यहाँ पर बंधा हुआ हूँ, बंधी हुई हूँ, तो अब तो कोई खौफ ही नहीं है, इस तरह के एनर्जी में थे, ओके, तो करेज तो इस पर्सन में आएगी ही आएगी, ओके, करेज आएगी और आ रही है, ओके, और जब करेज आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, तब ये पर्सन आपकी ओर ही बढ़ेंगे, ओके, नए नजरिए से, नए दृष्टिकोण से, नए उम्मीद से, नए होप से, नए पावरफुल एनर्जी से, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव, देख सकते हैं कि कितने निगेटिव सिचुएशन से, निगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की ओर जा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि कन्वर्ट हो रहे हैं, तो होंगे ही होंगे पॉजिटिव एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, होपफुल एनर्जी में आएंगे, ओके, तभी पर्सन आपको कुछ देंगे, वो क्वीन एंड किंग। सो या यहाँ पर क्वीन एंड किंग है दोनों, और क्वीन और किंग का यूनियन होने जा रहा है, ओके, ये जो किंग या क्वीन है वो अपने किंग या क्वीन को लेने के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह को ऑफर कर रहे हैं, उस ऑफर को देने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो देने वाले हैं उसके लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, पावरफुल एनर्जी चाहिए, ओके, सो सेलिब्रेशन तो होगा आपकी लाइफ में, चाहे आप एक्सेप्ट करो इनको या नहीं करो, पर सेलिब्रेशन तो होगा। फाइनेंशियली भी आप काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हो सकते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अबंडेंट हैं, वेल्दी पर्सन है, आप खुद वेल्दी हो, ओके, सो कोई अबंडेंट वेल्दी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, कोई आप में इंटरेस्टेड है, अगर आप किसी को नहीं जानते, ओके, सो कोई तो है जिसकी नजर आप पर है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बिल्कुल, ओके, या आप इनके साथ पार्टनरशिप में रहे हो, ये हो सकता है, कोई कभी किसी सिचुएशन में आपके साथ रुड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या इनका फैमिली आपके लिए रुड़ रहा है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ओके, कुछ लोग लिए डाइवोर्स ही हो सकते हैं, आप हो सकते हो, ओके, पर जो होने वाला है उसको आप नहीं रोक सकते हो, उसको ना कोई नहीं रोक सकता, विल ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया ऐसे घूमेगा ना कि जो गया था ना वो वापस आ सकता है, बिल्कुल, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि कोई तो है जो कि आपकी ओर आ रहा है, डेस्टिनी वापस से आपको मिलाएगी इनसे, ओके, अगर ये आपकी डेस्टिनी में है, आपकी किस्मत में है, तो बिल्कुल वापस साथ में आओगे आप, आपका इंतजार ऐसे ही नहीं जाएगा, ओके, अगर आप ऑनेस्ट, लॉयल, लविंग, केयरिंग पर्सन हो, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप डाउन टू अर्थ हो, आप काफी ज्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो, ओके, आपकी प्योरिटी, आपका जो ऑरा है, ओके, आपका जो चार्म है, ये पर्सन बच नहीं पाएंगे आपसे, बच नहीं पा रहे हैं, ओके, ये आप पर नजर बना के बैठे हुए हैं, गड़ा के बैठे हुए हैं आप पर नजर, ओके, और किसी तरह का प्लान्स बनाते मुझे नजर आ रहे हैं, पास्ट को याद करके, पास्ट में क्या चीज हुआ है, पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसको रिपीट नहीं करनी है, यह ये सब प्लान्स बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। माइजर क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज माय गॉड मुझे क्लैरिटी दीजिए, माइजर क्यों आया है यहाँ पर, मजिशियन, ओके, जो पर्सन अब तक खुद ही आपसे भाग रहा था या आपसे दुनिया क्रिएट कर रहा था, ये पर्सन खुद ही मजिशियन की एनर्जी में आएंगे, और बिल्कुल इनका एनर्जी ऐसा होगा ना कि मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है, मुझे इसको अचीव करना है, मुझे इसको पाना है, और इसको ये ना अपना गोल बना लेंगे, ओके, अपना ना एक वो बना लेंगे, काफी ज्यादा जुनून में देख पा रही हूँ, और डिटर्मिनेशन, जुनून के साथ,
एक पैशनेट पावरफुल एनर्जी के साथ ये पर्सन, बिल्कुल इनमें ना ये एनर्जी आएगी ही आएगी। तो अगर ये पर्सन खुद ही आपसे दूरियां क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे या भाग रहे थे ना, तो ये पर्सन खुद ही मुझे लौटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लौटने की तैयारी में हैं। और अगर आप दूरियां क्रिएट कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, इनके अट्रैक्शन से, इनके चार्म से आप बच नहीं पाओगे। इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है या और इम्प्रूव होगी। ओके, आपको कन्विंस कर लेंगे ये पर्सन। जो होने वाला है काफ़ी अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, सो डोंट वरी। ओके, या तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको मिलने वाला है। ओके, आपका मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कब तक पूछोगे? 1 मंथ के अंदर, किसी किसी के लिए 1 डे के अंदर, किसी किसी के लिए 1 आवर के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा। किसी के लिए 1 आवर, किसी के लिए 1 डे, किसी के लिए 1 वीक, किसी के लिए 1 मंथ, किसी के लिए 1 ईयर भी लग सकता है, या क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड भी है यहाँ पर। ओके, किसी के लिए 6 वीक, 7 मंथ, 7 वीक, 7 मंथ, 8 मंथ लग सकता है। ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पर मैं आपको बता दूं कि सेलिब्रेशन तो होगी होगी आपके लाइफ में, किसी तरह का सेलिब्रेशन होगी। आप कुछ ऐसे हासिल करोगे जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। ओके, या आप काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आने वाले हो, फाइनेंशियल आप और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो। ओके, पर सेलिब्रेशन तो होकर रहेगी आपके लाइफ में। और क्वीन और किंग है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, न्यू विजन है और 6 ऑफ कप्स है, तो आपके ट्रू लवर के साथ आपकी यूनियन। ओके, सो रीडिंग कैसी लगी मुझे जरूर बताइए गाइस कमेंट बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।